हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, जल्द ही परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू होने जा रहा है निष्ठा कार्यक्रम। जी हाँ, निष्ठा का मतलब ये है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये नेशनल लेवल की एक पहल है जिसके तहत विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, जो शिक्षक हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सर्वांगीण विकास जब शिक्षकों का हो जाएगा दोस्तों, तो वो बच्चों को एक मार्गदर्शक की भूमिका में, एक काउंसलर की भूमिका में बच्चों को ट्रीट करेंगे। बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान से इतर विभिन्न ऐप यानी यूट्यूब या नए नए जो इनोवेटिव ऐप्स हैं उसके सहारे भी, उसकी सहायता से भी वो बच्चों को ज्ञान अपना डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा एकाएक कोई अगर अकस्मात आपदा आ जाती है तो बच्चे उससे कैसे निपटें, इसके भी कारगर तरीके दोस्तों बताए जाएंगे। ये एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अब उत्तर प्रदेश में माननीय श्री विजय किरण आनंद जी के कुशल नेतृत्व में ये पहल चालू हो गई है। विद्यालयों के हेडमास्टर्स को शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए एक टीम सीमित रवाना हो गई है। तो आते हैं दोस्तों, पूरी की पूरी न्यूज़ से आपको रूबरू कराते हैं और वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि हम निष्ठा कार्यक्रम के बारे में भी डिटेल से आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हो, ये प्रयागराज की न्यूज़ है कि 7 SRP और 60 KRP के जरिए पठन पाठन सुधारने की कवायद है। तो SRP कौन है दोस्तों? आप देख सकते हैं कि जिले के परिषदीय विद्यालयों में पठन पाठन सुधारने के लिए अब निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट कार्यक्रम शुरू होगा। इस कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए 7 स्टेट रिसोर्स पर्सन यानी SRP और 60 की रिसोर्स पर्सन यानी KRP का चयन हुआ है। इनका 5 दिवसीय प्रशिक्षण सीमेट में मंगलवार से शुरू हो गया है। इसके बाद SRP और KRP ब्लॉक स्तर पर हेडमास्टर और टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। राज्य परियोजना निदेशक श्री विजय किरण आनंद ने इस कार्यक्रम को परिषदीय स्कूलों में लागू करने के लिए अगस्त में ही निर्देश दिए थे, लेकिन SRP KRP के चयन में तकरीबन 3 माह लग गए दोस्तों। अब इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है। इन्हें ट्रेनिंग डाइट, SCERT, NCERT, CTE आदि संकाय के सदस्यों द्वारा दी जा रही है और 30 नवंबर तक दोस्तों इनका प्रशिक्षण चलेगा। इसके बाद इनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर हेडमास्टर और शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम जारी होगा और वो जो कार्यक्रम होगा वो 12 मॉड्यूलों पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा यानी शिक्षक और हेडमास्टर को, ताकि शिक्षक नई तकनीकी मसलन यूट्यूब विभिन्न ऐप का प्रयोग करके एक्टिविटी आधारित शिक्षण कार्य कर सकें। जरूरत पड़ने पर SRP और KRP उनका सहयोग भी करेंगे, बच्चों का भी मार्गदर्शन करेंगे। फिलहाल SRP का कार्यकाल यानी स्टेट रिसोर्स पर्सन का 3 साल और KRP का दोस्तों 1 साल है। तो दोस्तों, ये SRP और KRP की पहल हो गई। 30 नवंबर तक वो प्रशिक्षित होके आएंगे, फिर जिला स्तर पे वो कार्यक्रम लगेगा जिसमें ब्लॉक लेवल पे उनको हेडमास्टर्स और टीचर्स को ट्रेन करना है। आते हैं हम आपको निष्ठा कार्यक्रम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों प्रोवाइड करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर के लाखों शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए निष्ठा योजना 2019 को शुरू करने का निर्णय लिया है। निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। सरकार ने स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को एक खास प्रशिक्षण देने की बात कही है। फिलहाल इनमें पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले तकरीबन 42 लाख शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। इस योजना को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। निष्ठा योजना 2019 शिक्षक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, निष्ठा योजना 2019 टीचर ट्रेनिंग कैंपेन, निष्ठा योजना प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। निष्ठा प्रोग्राम के प्राथमिक स्तर पर सभी सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षक और स्कूल के हेड शामिल होंगे यानी हेडमास्टर। निष्ठा एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों के प्रशिक्षण में किताबों के बजाय बच्चों के बौद्धिक विकास पर मुख्य रूप से दोस्तों फोकस होगा। इस कार्यक्रम में बच्चों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित किया जाएगा। छात्र तब विविध स्थितियों को संभालने में सक्षम होंगे और शिक्षक प्रथम स्तर के काउंसलर के रूप में दोस्तों कार्य कर सकेंगे।
निष्ठा योजना शिक्षा को बेहतर बनाने की हो रही है कोशिश। निष्ठा योजना बीइंग ट्राइड टू इम्प्रूव एजुकेशन, इस योजना के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण की इस पहल से स्कूली शिक्षा को मजबूती मिलेगी, ऐसे ही प्रयास आगे किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को पहले से ही विश्व गुरु की उपाधि दी जाती है, इन चीज़ों का प्रयास करेंगे कि बच्चे शिक्षा के लिए दूसरे देशों में ना जाएं। साथ ही इस प्रशिक्षण से शिक्षकों की गुणवत्ता काफ़ी बेहतर हो, इसके साथ ही लर्निंग आउटकम के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सुधार हो। शिक्षकों को दी जाने वाली इस फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया है। पहले नंबर एक पे है योग्यता आधारित शिक्षा और परीक्षण। दूसरा, स्कूल को सुरक्षित रखने के लिए उठाए जाने वाले कदम। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को उभारना। शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। ध्यान केंद्रित करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा। लाइब्रेरी, इको क्लब, यूथ क्लब, किचन गार्डन आदि की अधिक से अधिक जानकारी। हर तरह की परिस्थिति में स्कूल में नेतृत्व करने के गुण। पर्यावरण संबंधी जानकारी। प्री स्कूल पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। चरण इसका दोस्तों क्या रहेगा, मेन स्टेजेस ऑफ निष्ठा योजना फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम। पीएम निष्ठा योजना शिक्षक प्रशिक्षण अभियान 2019 को सफल बनाने के लिए कुछ प्रमुख चरणों पर काम किया जाएगा, जो कि निम्नलिखित हैं। प्रशिक्षण अभियान 3 चरणों में चलेगा और शिक्षक चाहें तो वे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जानकारी ले पाएंगे। प्रशिक्षण अभियान में भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान पर मुख्य रूप से दोस्तों फोकस होगा। शिक्षकों की ट्रेनिंग की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी, ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान अटेंडेंस की भी जांच की जाएगी, किसी तरह की परेशानी आने पर काउंसलिंग भी दी जाएगी। छात्रों की क्या परेशानियां हैं उनको समझने के लिए स्पेशल फोकस ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो रहा कि निष्ठा प्रोग्राम में KRP और SRP का प्रशिक्षण सीमेंट स्तर पर हो रहा है, और मैंने आपको पूरे प्रोग्राम के बारे में भी सम्यक जानकारी दी। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।